इसलिए मुट्ठे मुट्ठे अथरू में रोंदा जे। बंधुओ, मुझे महाराज जी की कुछ बातें याद हैं। महाराज जी कहते थे कि मुझे डर लगता है दो बातों से, एक बड़ा पेगोला और एक परिस्त्री गोला, प्राय औरत, और मुझे पता है मैं दोनों लागे नहीं जाना। आज सोच दे कि बुढ़ापे लागे नहीं जाना, ये किन्या आख दे, वो तो आना गाना है। एक बारी मजाक करा था हम दे कने, डॉक्टर एक मते लोग जान दे गोरखे की, शास्त्री शास्त्री आख दे, उसी भी डॉक्टर आई भी, ते मजाक करी आख है मारे गुला लोग का उम्री च, ते शास्त्री जी मारे गी लगा आखन, शास्त्री जी अस लोग है ना तुंदे कोला, दिखियो जिल्लै असें जवान होना ना तुसें बुढ़े होए दे होना, फिर असें जबरदस्ती तुसें ले जा करना अपने घर, फिर जोर नहीं चलना थोड़ा, तुसें बुढ़े होए दे होना असें जवानी च होना, क्योंकि अज निक्के हैं तुस वड्डे हो। ते मारे ने उहदे सिर अवरत फेरदे फेरदे आख्या, बच्चू जी अस लोग बुढ़े नहीं हुंदे हुंदे, ये शब्द महाराज जी के, अस लोग बुढ़े नहीं होंगे है। तो फटाफट गल मजाक च पाई उड़ी, बाद टपला पाई उड़िया अपनी गलों पर। ओले 1992 च जिले मारे ने समाधि ली, ओले महाराज की उम्र 32 साल, शास्त्री महाराज की उम्र कुल 32 साल। थोड़े दिन बाद च डॉक्टर गोरखा बेचारा सारे की सुना के मेरे कन्ने मजाक च उन्हें गल आखी कि अस लोग बुढ़े नहीं होंगे है, ये बाल काले ने बच्चों काले जगह जाना, यह उनकी रमजा बड़िया गहरिया है। मैं ही आखा था मड़ा जे कदे 100 छड़ी 125 साल या 150 साल भी कुहाने जी लिया, और 150 साल जीने के बाद भी अपने प्रियतम को अपने परमात्मा को जान नहीं सका, तो शंकराचार्य ने कहा तथा किम करी के ले आई है जी है। ते जे 32 साल जीए भी उस तत्व की जानी लिया, उस अध्यात्म की जानी लिया, उस अपने रामकृष्ण की जानी लिया, उस गुरु तत्व की जानी लिया, तो फिर किस कितना है, वही सदगति है, वही परम गति है। और अगर बिना जाने चले गए तो 150 साल क्या है, कुछ कितना भी जी के जाओ वो अधोगति है। मेरी समझ कहती, कोई अपने टारगेट की अचीव नहीं करी पाया, कितना भी जीए चलिए, अचीवमेंट नहीं बड़ा लंबा जीना, कितना किया साहब। जेड़े संसारिक रुतवे ना इथू दे औहदे, जिन्ने चिर तुस औहदे उपरो इन्ने चिर तुसें सलूट है, और जिले तुस औहदे उपरा उतरीये कन्ने चलने आले तुसें हार पाने आले तुसें कोले धक्के ले कुन मारन कोई पता नहीं दा, ये जेड़े इत्थों दे उधर पर धन्य है अज 32 साल के 30-32 साल कोला उपर होई समाधि ले दे शास्त्री महाराज की, और ओदा उत्थे दा उत्थे बरकरार है। ई ओदा साहब ई कमाई है। तो मैं बेनती बस इतनी ही कर रहा हूं कि कभी अपने लिए भी हम समय निकाले। हाँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, ये समझ संतों ने हमें पकड़ाई, सबको, हम सबको बहुत बार साधु कहते हैं, अच्छे साधु जो अच्छे संत है, कि मैं शरीर नहीं हूं। कई बार जन्नी है कोई मरीज होता है, वो मरीज है, बॉडी तो वहां पड़ी है, मरा कौन, शरीर तो थे पेड़ है और पूरा है, मरा कौन। जो तत्व बीच में से निकल गया बंधुओं, अगर तुम यूनिवर्सल रूप से पूरा एक एक, एक ब्रॉड विजन से देखो, तो जो तत्व हमारे बीच में से निकल जाता है वो परमात्मा ही है, परमात्मा तत्व ही है। परमात्मा को सिंधु की तरह समझो, परमात्मा समुद्र अंगर लेखा है, असुदी बूंदा छोटी छोटियां बिंदु को सिंधु में मिलाना ही लक्ष्य है। इस आत्मरूपी बिंदु को ईश्वर रूपी समुद्र में जिस दिन हम मिला गए,
हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया, पर हम मिल नहीं पाते, यहां के द्वंद्वों में फंसे रहते हैं। काम करो, अपना छटिए जाना नहीं कुते, रोना कर हट गए, घर में ही रहना है, पर कमल के पुष्प की तरह रहना है। कमला का फूल पानी च रोंदी हुई, चिकड़ा च रोंदी हुई, न्यारा रोंदा है। तुम उसके ऊपर पानी फेंक कर भी देखो, फिर भी गीला नहीं होगा। समाज में बंधुओं, अपने जीवन को संयम पूर्वक प्रार्थना करा करो भगवान को, के परमात्मा मैं अपने ऊपर संयम रखी सकता, अपने ऊपर काबू रखी सकता। गल्लां ज्ञान दिया करना अलग विषय है, पर बंधुओं ओदे ऊपर चलना अलग विषय। मैं ते आखना कई बारी वो पाए जरूरी नहीं जुने संत महात्मे आले कपड़े पाए दे उगे संत ने। कई बारी ऐसे ऐसे क्रिस्ती लभदे, ऐसे ऐसे जिमीदार लभदे बेचारे हाल बहू, गल्लां दे नहीं उन्हीं आंदियां करना, बड़ियां श्लोक बोली बोलीए जां बड़ियां चपाइयां बोली बोलीए, पर उंदा जिल्लै संकल्प दिखने आ, अपने मना की जिते दे दिखने आ, उन्हें लोकी दे मन करदा है कि मत्था टेक जा। क्रिस्ती च रुंदी होई सादा जीवन अपना कट्टा दे दे, पर अपने उपर इस कदर काबू रखे दे। मैं एक बार किसी संत के पास बैठा था, उन्होंने कहा था कि संत कौन, संत कौन? उन्हें आख्या जिसका एकांत सुधरा हुआ हो। मेरी गल समझा देना, जिसका एकांत जब वो अकेले में है तब उसके विचार, तब उसकी सोच बड़ी शुद्ध और पवित्र हो। इतने साहब बड़े बड़े सफेद पोश, बड़े बड़े उच्चे लोग, जिल उनका एकांत दिखाया जा तो उनका एकांत दुर्गंध मारा दंदा है, मुश्क मारा दंदा है। जिसका एकांत सुधरा हुआ हो, जिला अगे पीछे कोई नहीं, उसी दिखने वाला कोई नहीं, उसने भी अगला संभले दे, वो साधु है, भले ही वो पेंट शर्ट में हो, भले ही वो कुछ पहनता हो। पर जिसका एकांत बदबू मार रहा है, जिसका एकांत दूषित है, व्यवचारी है, वो भावे किने भी कपड़े पाए ले मरा। अध्यात्म की यात्रा तुम्हारी तुम्हारे साथ बात है, ये अपने साथ गुप्तगू की।